विद्यार्थी परीक्षा से पहले जितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन अगर वे एग्ज़ाम के दिन अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं होते हैं तो सारी मेहनत व्यर्थ है। जब भी कोई विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है, हर बार वह चिंतित और नर्वस महसूस करता है। परीक्षा का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि कुछ विद्यार्थी तो याद किया हुआ भी भूल जाते हैं, जबकि परीक्षा के दिन चिंता और भय के भाव आना स्वाभाविक ही है। फिर भी विद्यार्थी परीक्षा हॉल में पेपर हल करने के दौरान कुछ आसान टिप्स अपनाकर स्थिति को थोड़ा सहज बना सकते हैं, क्योंकि परीक्षा तो परीक्षा होती है। चाहे कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो या बौद्धिक क्षमता वाला व्यक्ति हो, फिर भी वह परीक्षा से घबराता है। पूरे वर्ष पढ़ाई करने के बाद एक परीक्षा ही ऐसी है जो आपका मूल्यांकन करती है, और परीक्षा में आपने प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा, इसी आधार पर आपको अंक दिए जाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी हो जाता है कि आपने किसी प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा। उत्तर लिखना भी एक कला है। अगर आप इस हुनर को अपना लेते हैं, इसमें काबिल हो जाते हैं, तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले तैयारी करते समय प्रश्नों को रटना नहीं चाहिए, बल्कि उनको समझना चाहिए, क्योंकि रटा हुआ अक्सर हम भूल जाते हैं। कुछ रटने वाली चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कोई परिभाषा, किसी की डेट के बारे में आपको, तो जो आपके उत्तर को प्रभावी बनाती हैं और आपको अच्छे अंक दिलाने में भी सहायता करती हैं। उत्तर को आप जितना विस्तार पूर्वक लिखते हैं, यह मायने नहीं रखता, बल्कि मायने रखता है कि आप किस तरह से उत्तर को प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, तो पूरे क्वेश्चन पेपर को आपने पढ़ना है। पूरी तरह से याद किए हुए जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर सबसे पहले लिखने का प्रयास करें। किसी भी प्रश्न के उत्तर को ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों में लिखने से बचें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जिस क्वेश्चन के आंसर को ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, उसको हम ज़्यादा लंबा खींच देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हमें सीट दी जाती है, आंसर सीट, उसके अंदर पेज भी कम रह जाते हैं और समय का भी ध्यान हमें रखना होता है, क्योंकि सभी को बराबर समय मिलता है और समय बड़ी तेज़ी से भागता है, तो इसलिए समय का आपको ध्यान रखना है। जो प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं आते, उनके उत्तर भी अंत में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एग्जामिनेशन के अंदर कभी भी परीक्षा के दौरान कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ के नहीं आना है। मान लो कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता, तो उसको भी लास्ट में आपने जैसे तैसे बना के लिख देना है। आंसर शीट पर जो काट पीट हम करते हैं, कोई अक्सर कोई स्पेलिंग आपने मिस्टेक कर दिया, उसके ऊपर हमने काटा लगा दिया, उसको काट दिया, ऐसी गलती नहीं करनी है। उसके ऊपर एक लाइन आप लगा सकते हैं, बीच में कोई भी पेज हम खाली नहीं छोड़ते। कई बार ऐसा होता है, आपने एक क्वेश्चन किया, उसके बाद कोई पेज खाली छोड़ दिया, तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अगर आप ऐसी गलती करते हैं, तो जब आपकी आंसर शीट चेक होगी, तो वहाँ पर जो खाली पेज है, हो सकता है एग्जामिनर उसके बाद कोई क्वेश्चन आपका लिखा हुआ उत्तर है तो ना देखे। राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। जितना सुंदर आप लिखने का प्रयास करेंगे, उतने ज़्यादा मार्क्स आपके आने लाजमी हैं। हर शब्द हर उत्तर में स्पेस का ध्यान रखें। देखिए, बहुत बार हम क्या करते हैं, अगर आपने कोई आंसर दिया है, आंसर देने के बाद तुरंत बाद अपना दूसरा आंसर आप शुरू कर देते हैं, जबकि जो बेस्ट तरीका होता है, अगर आपने कोई आंसर लिखा है, तो उसके बाद कम से कम दो लाइनें, तीन लाइनें आपने बीच में गैप रखकर तब जाके नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू आपने करना है। सभी सेंटेंस को एक साथ लिखने की बजाय आपने पैराग्राफ में उत्तर देना है। बहुत बार हम क्या करते हैं,
टॉप कॉर्नर से आप शुरू करते हैं और बॉटम तक चले जाते हैं और बीच में कोई पैराग्राफ नहीं बनाते तो वो भी आपके आंसर को अच्छा नहीं बना पाता, एग्जामिनर के ऊपर उसका अच्छा इम्प्रेशन नहीं जाता, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उत्तर पूछे गए प्रश्न से मेल खाना चाहिए, इधर उधर की बातें लिखने से बचें, उनके अंक नहीं मिलते। मुख्य बिंदु को अंडरलाइन करें, जो भी परिभाषा है, जो भी राइटर का नाम है, किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम है, कोई आपने डेट लिखी है, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अपना सबसे अच्छा उत्तर सबसे पहले लिखें। पहला उत्तर एग्जामिनर के दिमाग में एक तस्वीर बना देता है, एक अच्छी तस्वीर बाकी उत्तरों में भी थोड़े बेहतर अंक दिलाने की संभावना रखती है। और जब भी आपके पास आंसर शीट आए, सबसे पहले अपनी कॉपी में अपना रोल नंबर, परीक्षा का नाम, तारीख और जो भी अन्य आवश्यक जानकारी होती है उसको लिखना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपना रोल नंबर लिख देना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर कोई फॉर्मूला, कोई डायग्राम, कोई फिगर, कोई टेबल भी आप उस पेपर के अंदर बना सकते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर बना सकते हैं। गैर जरूरी जो सजावट होती है, बहुत बार आपने देखा होगा हम किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा सजाने की कोशिश करने लग जाते हैं, तो जो गैर जरूरी सजावट होती है उससे बचना चाहिए, क्योंकि उसके मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो 100% आपको अच्छे मार्क्स मिलने की गारंटी है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।